हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है वो, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन जो हमारे GTA में सिटीज़ आते हैं उसमें हमारे डेमोग्राफिक्स क्या हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि अगर आप आके एक नई जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, कौन सी नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं। बिकॉज अगेन, आप एक नई जगह जब आते हैं एक नए कल्चर में, तो आपका एम होता है कि हम यहाँ पे इजीली सेटल हो जाएं, असिमिलेट हो जाएं, कल्चरली हमें ज़्यादा शॉक ना लगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इस पे है। मैं आपको यू नो, आई गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि हमारे जो मेन शहर हैं GTA में, उसमें डेमोग्राफिक्स क्या हैं। तो लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे जो पहला शहर है वो है ब्रैम्पटन। तो ब्रैम्पटन जो है वो, जैसे कि आप सबको पता है, इट्स गॉट अ रियली ह्यूज साउथ एशियन पॉपुलेशन, और इसमें श्रीलंकन, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, बहुत सारे आपके जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोग आके सेटल हुए हुए हैं। पंजाबी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पंजाबी पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इंडियन पंजाबी पॉपुलेशन, ख़ासकर जो आपके सिख जो लोग हैं वो बहुत आपको यहाँ नज़र आएंगे, और उनकी वजह से ये हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं विच आर ओन्ड बाय आपके साउथ एशियन फोक्स, और यहाँ पे अगेन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट के साउथ एशियन पॉपुलेशन है। तो इफ एज अ साउथ एशियन एंड एज द नेम ऑफ आर चैनल सजेस्ट, जो देसी चैनल है, तो देसीज आपको यहाँ बहुत मिलेंगे। देसी फूड आपको मिलेगा, आपको देसी कल्चर देखने को मिलेगा। अक्सर नेबरहुड्स में तो बाकायदा जो है वो शादियाँ होती हैं जो कि बिल्कुल यू नो, आपकी इंडियन शादियों की तरह, जिसमें यू नो, घोड़ी भी आती है और घोड़ी पे जो है वो बैठ के बंदा जो है वो बारात आ रही है, और फिर जो है वो डोली उठ के जा रही है। तो वो इट्स रियली लाइक दैट। तो यू रियली इन्जॉय इट बिकॉज आपको बहुत क्लोज नेट साउथ एशियन कम्युनिटी नज़र आती है ब्रैम्पटन में। ब्रैम्पटन का सिर्फ एक जो मैं आपको कौन बताऊंगी वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर कुछ और भी सेटलर्स हैं, अगेन पॉकेट्स हैं जो कि अनसेफ कंसिडर की जाती हैं, इस वजह से क्योंकि क्राइम रेट ज़्यादा है उन ख़ास पॉकेट्स में। तो जब आप घर देख रहे हैं या जब आप रेंटल देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू कीप इन माइंड कि जिस एरिया में, जिस पॉकेट में आप ब्रैम्पटन की वो घर देख रहे हैं वो सेफ़ हो, और वो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग दैट पोस्टल कोड इन गूगल एंड फाइंडिंग आउट द क्राइम स्टेटिस्टिक्स के क्राइम रेट वहाँ पे कितना है, कैसे है। और यूजुअली स्टेट एजेंट भी आपको कभी कभार यू नो, दे गिव यू अ रियली क्लियर व्यू ऑफ के हाउ द एरिया इज एंड वेदर इट्स सेफ और नॉट सेफ फॉर अ फैमिली। तो ये चीज़ कंसिडर करने की है। ओवरऑल इट्स अ रियली गुड एरिया टू सेटल, बट अगेन देर आर सम पॉकेट्स विच आर नॉट सेफ, तो ये ख्याल करिएगा। जो दूसरा शहर हम डिस्कस करेंगे वो है मिसिसागा। तो मिसिसागा तो इज़ अ नो ब्रेनर। अगर आप किसी से भी पूछें व्हेन यू लैंड इन कैनेडा, ऑन्टेरियो स्पेसिफिकली, तो आपको वो, अगर आप देसी हैं तो वो आपसे सबसे पहले कहेगा कि आप मिसिसागा जा रहे हैं, क्योंकि मिसिसागा, अगेन नॉट टू क्रिएट अ स्टीरियोटाइप, लेकिन यहाँ पे बहुत हैवी साउथ एशियन पॉपुलेशन है। इट्स अ वेरी बिग सिटी, इट्स वेरी हैवीली पॉपुलेटेड, लेकिन जो परसेंटेज अगर आप डेमोग्राफिक्स देखें तो साउथ एशियंस बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आएंगे आपको, और साउथ एशियंस काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हैं मिसिसागा में, ऑल ओवर। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि जो एयरपोर्ट है आपका, अगर आपकी प्रेफरेंस है टू लिव क्लोज टू द एयरपोर्ट, तो मिसिसागा और ब्रैम्पटन दोनों जो हैं दे आर इक्वली एक्सेसिबल फ्रॉम द एयरपोर्ट। बल्कि मिसिसागा और ब्रैम्पटन के बॉर्डर पे ही समझें आप, आपका टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट जो है वो लाई करता है। तो ब्रैम्पटन अगेन इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा है, लेकिन मिसिसागा भी इज़ अ गुड ऑप्शन क्योंकि मिसिसागा के नॉर्थ में बिल्कुल एयरपोर्ट सिचुएटेड है। तो दैट्स द अदर पीस। दूसरा, ईजिली एक्सेसिबल है हलाल फूड, इफ़ दैट्स वॉट योर प्रेफरेंस। अगर आपने साउथ एशियन क्यूजीन खाना है, इंडियन फूड खाना है, या आपने बंगाली फूड खाना है, या आपने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ट्राई करने हैं, तो वो आपको यहाँ पे साउथ एशियन क्यूजीन बहुत ईजिली अवेलेबल है। बाकायदा प्रॉपर फूड स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे ये आपको मिसिसागा में ईजिली अवेलेबल है। देसी खाना, चाय मिल जाती है, पान मिल जाता है, यू नो, ऑल दोज थिंग्स विच वी क्रेव एंड वी यू नो बैक होम, जो हमारे आराम से हम खाते हैं, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो है वो, आपको, आप कहीं और किसी और मुल्क में नहीं है बल्कि आप अपने मुल्क में हैं। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जब आप मिसिसागा में होते हैं, क्योंकि आपको हर जगह देसी नज़र आते हैं। इवन आपके जो स्टोर्स हैं, आपके इवन
जो आपके कैनेडियन स्टोर्स हैं उनमें भी आपको इंटरनेशनल स्टोर्स में भी यू विल फाइंड अ सेक्शन विच इज़ स्पेसिफिकली केटरिंग टू द साउथ एशियन पॉपुलेशन. और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊँ कि ईजिली एक्सेसिबल है, इंडियन स्टोर्स बहुत ईजिली एक्सेसिबल हैं, आपको मसाले स्पाइसेस कुछ भी चीज़ जो अगर चाहिए वो ईजिली एक्सेसिबल है इन मिसिसागा बिकॉज ऑफ सच अ बिग पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशियंस. तो ये एक चीज़ है. दूसरी चीज़ ये कि जो अगर आपकी प्रेफरेंस है टू लिव क्लोज टू अ टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, वो भी बहुत आराम से आपको मिसिसागा में मिल जाएगी. आपको डिफरेंट पॉकेट्स हैं जिसमें आपको अपने यू नो मुल्क के लोग मिल जाएंगे और जो है वो ईज़िली आप जो है वो मिंगल कर सकते हैं. मिसिसागा कल्चरली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है साउथ एशियन कल्चर में. आप कोई भी देखेंगे, हलाल फूड फेस्ट होता है या देसी फूड फेस्टिवल होता है या कोई भी, जैसे कोई सिंगर आ रहा है यू नो फ्रॉम इंडिया, आप देखेंगे कि दे बेसिकली कम एंड दे यू नो डू देयर शोज एंड एवरीथिंग इन मिसिसागा. तो दैट्स व्हाई मिसिसागा इज़ वेरी पॉपुलर फॉर साउथ एशियंस. इट्स रियली गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ होम. तो इफ़ दैट इज़ योर प्रेफरेंस, डू कंसिडर इट. अब एक जो चीज़ कंसिडर करने की है वो सिर्फ ये है कि मिसिसागा इज़ गेटिंग रियली एक्सपेंसिव. And that is because of the fact that it is very close to the airport. And then it's also, matlab airport lies in Mississauga. And then also it's very close to downtown Toronto. और वहाँ से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ट्रेन्स भी चलती हैं. ये मैं अपनी सेपरेट वीडियो में आप लोगों को जब मैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें मैं ये मेंशन करूँगी. लेकिन मैं अभी भी आपको ये बता दूँ कि मिसिसागा में प्रॉपर्टी प्राइस हैज़ स्काई रॉकेटेड. एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये एक सेंट्रल बिजनेस हब भी अब बन गया. बहुत सारे ऑफिसेज जो हैं वो मिसिसागा में लोकेटेड हैं. तो समझे आप, टोरंटो के बाद अगर कोई शहर जो है वो GTA में इट्स कंसिडर्ड सेंट्रल या अ बिजनेस हब, दैट इज़ मिसिसागा. तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस और रेंटल्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो फिर अगेन आपकी प्रेफरेंस है, अगर आपके बजट में आता है इट्स रियली गुड, अगर नहीं आता तो फिर आप इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ जो हैं उनको कंसिडर करें. तो मिसिसागा के एडजॉइनिंग एरियाज़ जो हैं वो मैप पे आप देख सकते हैं, उसके आसपास के एरियाज़ में भी आप रह सकते हैं फॉर एक्सेसिबिलिटी. तो दैट इज़ द अदर थिंग. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मार्कम. मार्कम लाइज इन द यॉर्क रीजन. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में जब रीजन्स एक्सप्लेन किए थे, तो मार्कम जो है वो एक अगेन बहुत पॉपुलर सिटी है फॉर साउथ एशियंस. इसमें श्रीलंकन्स की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है और इंडियंस की और पाकिस्तानीज़ दे कम सेकंड इन नंबर, इनकी भी काफ़ी हाई पॉपुलेशन है. अगेन 407 क्रॉस करती है आपकी मार्कम से. जो 407 के ऊपर का एरिया है यानी टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड यू कैन से टचिंग द बॉर्डर ऑफ रिचमंड हिल, वो एरिया जो है वो हैविली पॉपुलेटेड है विद एशियंस. And by that I mean Chinese, Koreans, Hong Kong, यहाँ के जो आपके साउथ ईस्ट एशिया के लोग जो हैं वो आपको नज़र ज़्यादा आएंगे. और वहाँ पर बाकायदा आपको इवन साइन बोर्ड्स जो हैं वो उनकी लैंग्वेज में नज़र आएंगे. तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके दिस इज़ रियली अ साउथ ईस्ट एशियन नेबरहुड. तो वो बिल्कुल चाइना टाउन है जो 407 के ऊपर वाला एरिया है मार्कम में. और जो 407 के बॉटम में आता है यानी जो उसके नीचे वाला एरिया टूवर्ड्स टोरंटो यानी जो स्कारब्रो को टच करता है, उस एरिया में आपको बहुत हैवी पॉपुलेशन नज़र आएगी ऑफ ब्राउन फोक्स, साउथ एशियन यानी देसी फोक्स जिसमें आपके बंगालीज, श्रीलंकन्स, इंडियंस और पाकिस्तानीज हैं. यहाँ पे आपको बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं अगेन लाइक आई सेड मॉस्क भी आपको मिलेंगी, टेंपल्स भी मिल जाएंगे और आपको देसी फूड भी साउथ ऑफ मार्कम बहुत ईजीली अवेलेबल है. और काफ़ी अच्छा यू कैन से मिसिसागा के बाद अगर कहीं आपको देसी फूड ऑप्शंस मिलेंगे तो दैट इज़ बेसिकली साउथ ऑफ मार्कम एंड बेसिकली नॉर्थ ऑफ स्कारब्रो. तो ये एरियाज़ अगेन दे आर वेरी गुड फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया हु प्रेफर टू सेटल इन एरिया जहाँ पे हैवी पॉपुलेशन हो ऑफ साउथ एशियंस. तो मार्कम का जो साउथ वाला एरिया है दैट्स समथिंग फॉर यू टू कंसिडर. अब अगेन क्योंकि मार्कम का जो साउथ एरिया है इट्स क्लोजर टू डाउनटाउन टोरंटो, इट्स अगेन वेरी एक्सपेंसिव. सो इट्स नॉट समथिंग विच यू कैन ईजिली अफोर्ड. इधर प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं प्रॉपर्टी की और रेंटल्स की भी. तो अगर आपके बजट में ये आता है या आपकी प्रेफरेंस है टू लिव इन साउथ एशियन कम्युनिटी एंड स्पेसिफिकली क्लोजर टू टोरंटो तो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन. लेकिन अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा और अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि इसके एडजॉइनिंग जो सिटीज़ हैं वो फिर थोड़े से
अफोर्डेबल भी हैं, चीपर हैं और एक्सेस भी उनका अच्छा है टू बोथ स्कारब्रो एंड साउथ ऑफ मार्कम एंड डाउनटाउन टोरंटो। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पॉइंट। बिफोर दैट बस मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि एक्सेसिबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप अपना घर देखते हैं कि आपकी जॉब से आपका कितना कम्यूट है, बिकॉज इट एड्स अप। आप इनिशियली ये बात रियलाइज़ नहीं करते लेकिन कम्यूट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर तो आप रिमोट वर्कर हैं तब तो इट्स फाइन, आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आपको कम्यूट करके अपनी जॉब में जाना है, हाइब्रिड है आपकी जॉब जहाँ यू हैव टू बेसिकली बी देयर 3 days a week, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर क्लोज टू योर वर्क प्लेस लें। तो दैट्स द अदर पीस। और अब हम डिस्कस करते हैं द फेमस स्कारब्रो। स्कारब्रो इज बेसिकली पार्ट ऑफ टोरंटो, यानी वो टोरंटो ही में अब काउंट होता है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ टोरंटो आप कह सकते हैं। इट्स अ बिग सिटी, इट्स वेरी हैवीली पॉपुलेटेड, बहुत डिफरेंट नेशनैलिटीज़ यहाँ पे सेटल्ड हैं और कुछ लोग इसको गेटो भी बोलते हैं। अगेन नॉट टू यूज़ स्लैंग हियर, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी पॉकेट्स हैं कंसिडरिंग इट्स वेरी क्लोज टू डाउनटाउन जो कि सेफ नहीं है। क्राइम रेट वहाँ पे काफ़ी हाई है और ये मैं अपनी वीडियो में पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो जब आप स्कारब्रो में घर देखें तो प्लीज़ बी माइंडफुल कि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर इट इज़ सेफ फॉर यू एंड योर फैमिली। और आई नो रेंटल बाज़ोकात जो है वो आपको बहुत अफोर्डेबल मिल जाएगा, लेकिन इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप ये असेस करें कि आसपास का एरिया आपके लिए सेफ है कि नहीं, स्पेशली वॉक स्कोर कि अगर आपने वॉक करके ट्रेन तक जाना है तो इज़ इट सेफ और नॉट। तो क्राइम रेट थोड़ा सा स्कारब्रो में हाई है, लेकिन अगेन नॉट ऑल ओवर स्कारब्रो। जो पार्ट स्कारब्रो का नॉर्थ का टच करता है मार्कम को वो काफ़ी अच्छा है, सेफ भी है। जो पार्ट आपका स्कारब्रो को पिकरिंग को टच करता है दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। जो पार्ट स्कारब्रो का आपका डाउनटाउन टोरंटो को टच करता है, जितना आप डाउनटाउन टोरंटो से क्लोज आते हैं ना स्कारब्रो में, वो पॉकेट्स आपकी सबसे ज़्यादा अनसेफ कंसिडर की जाती हैं। अगेन जैसे डाउनटाउन में भी क्राइम रेट काफ़ी हाई है, जहाँ किसी भी बड़े शहर में आप चले जाएँ, न्यूयॉर्क में चले जाएँ आप या कैलिफोर्निया में एलए में चले जाएँ, तो वहाँ क्राइम रेट जितना आप डाउनटाउन में जाते हैं वहाँ क्राइम रेट हाई हो जाता है। तो ये चीज़ कंसिडर करने की है कि अगर आपने बहुत कोर में स्कारब्रो के रहना है तो बी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पे यू कुड कम अक्रॉस पॉकेट्स विच आर नॉट सेफ। लेकिन वैसे जो है स्कारब्रो इज़ वेरी डाइवर्स, इट इज़ एक्सट्रीमली डाइवर्स। यहाँ पे आपको हर नेशनैलिटी का बंदा नज़र आएगा और साउथ एशियंस की भी लाइक आई सेड पॉकेट्स हैं और काफ़ी साउथ एशियंस आपको नज़र आएंगे। मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हुए थे जिसमें मैं आपको बताना चाह रही थी कि कौन सी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको नज़र आएंगे ज़्यादा लोग साउथ एशियंस। तो उसमें बेसिकली आपका स्कारब्रो में अगेन लाइक आई सेड साउथ ऑफ जो मार्कम एरिया है वहाँ जो स्कारब्रो का बॉर्डर टच करता है वहाँ पे ज़्यादा जो है वो साउथ एशियंस हैं। इट्स ऑल्सो रिलेटिवली सेफर। तो ये तो स्कारब्रो हो गया। अब आ जाते हैं टोरंटो, डाउनटाउन टोरंटो जिसे हम कहते हैं, या सिटी ऑफ टोरंटो। तो इसमें अगेन साउथ एशियन पॉपुलेशन काफ़ी है, अगेन पॉकेट्स हैं। जिरार्ड स्ट्रीट एक बहुत फेमस है, अगर आप आएँ तो ज़रूर जाएँ वहाँ पे, आपको काफ़ी देसी सीन नज़र आएगा। ईद पे काफ़ी माहौल होता है, लोग जो है वो नज़र आएंगे आपको, या कोई भी दिवाली होती है दिवाली पे भी आपको लोग बड़े नज़र आएंगे, यू नो पीपल आर हैविंग फन ऑन द स्ट्रीट्स देयर। तो ये जो है इट्स गुड टू नोट के डाउनटाउन टोरंटो में दिस अ गुड पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशियन फोक्स। लेकिन इसमें कुछ एरियाज़ हैं अगेन जो कि हैवीली पॉपुलेटेड हैं, जिसमें ये एगन कोर्ट और मेलबर्न कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे आपको ये स्कारब्रो के हैं, सॉरी दीज आर स्कारब्रो, एगन कोर्ट इन मेलबर्न और रेक्सडेल एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ यॉर्क लाइक जेन एंड फिंच, यहाँ पे आपको साउथ एशियन कम्युनिटीज़ नज़र आएंगी। लेकिन मैं अगेन आपको ये रिपीट कर दूँ कि ये कुछ एरियाज़, जैसे फॉर एग्जांपल जेन एंड फिंच है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस नेबरहुड्स, यहाँ पे अगेन क्राइम रेट काफ़ी हाई है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस बी माइंडफुल ऑफ दैट। रेक्सडेल का एरिया भी यू नो देयर पॉकेट्स, कुछ एरियाज़ इसमें रेक्सडेल में कुछ सेफ़ है, कुछ लेन्स आर नॉट दैट सेफ। सो डिपेंडिंग कि आप किस स्ट्रीट पे हैं, कहाँ हैं, यू नीड टू बी रियली केयरफुल। आइडियली यू शुड बी सेटलिंग इफ़ यू आर कमिंग विद अ फैमिली, कि जहाँ पे आपको एक कम्युनिटी फीलिंग हो, जहाँ पे भी ज़्यादा थोड़े से यू नो कॉन्डोज हैं या अपार्टमेंट्स हैं, वो बिल्डिंग्स जो स्मैक इन द मिडल ऑफ डाउनटाउन हैं वो इतनी सेफ़ नहीं कंसिडर की जाती हैं, स्पेशली जेन एंड फिंच
या क्वीन स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट जो बिल्कुल कोर में है डाउनटाउन के, वो सेफ नहीं है. अगेन विद फैमिलीज इट्स हार्ड, स्पेशली जब आप नए होते हैं. आपको कुछ टाइम हो जाए, फॉर एग्जांपल लिविंग इन ऑन्टेरियो, तो आप कहीं भी रह सकते हैं बिकॉज देन यू नो द लैंडस्केप. लेकिन जब आप नए आते हैं उस वक्त ये बहुत आपके लिए चैलेंज होता है कि यू नो टू असिमिलेट, टू लर्न द यू नो ले ऑफ द लैंड जिसे हम कहते हैं, कि टू अंडरस्टैंड कि आसपास का एरिया कैसा है, लोग कैसे हैं, मुझे किन एरियाज़ में मैं ईजीली जा सकता हूँ रात में या किन एरियाज़ में मैं नहीं जा सकती हूँ रात में, तो ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. तो रात में खासकर यू नो पास्ट 7 o'clock सनसेट के बाद कुछ एरियाज़ जो हैं दे बिकम एक्सट्रीमली अनसेफ. तो दैट इज़ समथिंग टू बी माइंडफुल ऑफ. और डाउन टाउन से जितने भी क्लोज एरियाज़ हैं उनमें ये क्राइम रेट ऑब्वियसली हाई है, तो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ दैट. और दैट्स दैट. ये मेरी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बेसिकली बताया है कि कहाँ पे आपकी ज़्यादा साउथ एशियन पॉपुलेशन है. एक और जो अपकमिंग एरिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, वो ईस्ट ऑफ GTA विच इज़ एजैक्स एंड पिकरिंग एंड ओशवा, यहाँ पे अब बहुत हाई पॉपुलेशन साउथ एशियंस की हो गई है. पिकरिंग में बाय द वे देर आर मेनी साउथ एशियंस एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल. इट्स ऑल्सो अ स्मॉलर सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अब ग्रो कर रहा है और अफोर्डेबल भी है और यहाँ से गो ट्रेन भी चलती है एंड यू नो ट्रांसपोर्टेशन वाइज भी इट्स क्लोजर टू बोथ स्कारब्रो एंड टोरंटो. 30 मिनट्स में आप टोरंटो पहुँच जाते हैं, तो ये भी एक एरिया आप कंसिडर कर सकते हैं. इट्स रिलेटिवली सेफर. उसके बाद जितना आप ईस्ट जाते जाते हैं तो एजैक्स जो है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, वो भी वहाँ पे बहुत साउथ एशियंस एग्जिस्ट करते हैं. मिल्टन है ऑन द वेस्ट साइड. मिल्टन और ओकविल में भी आपको बहुत ज़्यादा साउथ एशियंस नज़र आएंगे, लेकिन मिल्टन स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा आपको स्किल्ड जो आपका इमिग्रेंट साउथ एशिया से आ रहा है वो आपको मिल्टन में मिलेगा. बाकी ओकविल हैज़ अ लॉट ऑफ बिजनेस क्लास एज वेल एज अ मिक्स ऑफ यू कैन से मिडल ईस्ट के बहुत लोग हैं, एशियंस बहुत हैं, यानी चाइनीज बहुत हैं. तो साउथ एशियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि आपको मिल्टन में नजर आएगी या आपको एजैक्स और पिकरिंग में नजर आएगी ऑन द ईस्ट साइड. तो ये चीज़ है. जो दो और एरियाज जो है टू कंसिडर ऑन द वेस्ट इज वाटरलू एंड किचनर. लंडन वाटरलू किचनर, ये आपके बिल्कुल जैसे मैंने आपको गोल्डन हॉर्स शू वाला एरिया बताया था जो आउटसाइड ऑफ GTA है, ये भी कंसिडर आप कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इज़ रियली पॉपुलर. इट्स अ ग्रेट यूनिवर्सिटी. वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो ऑन दैट साइड. किचनर में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विल्फर्ड लॉरिए यूनिवर्सिटी, ये सब वेस्ट में है. तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो हाई स्कूल में हैं, दे आर सून गोइंग टू बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए बेस्ट है कि आप वेस्ट में जो है वो घर लें और इन एरियाज़ में लें. ये एरियाज़ जो हैं वो रेकमेंड में इसलिए सिर्फ नहीं करती क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम डाउनटाउन टोरंटो. तो अगर आपकी नौकरी जो है, यानी आपकी जॉब, यानी जो आपका ऑफिस है वो लोकेटेड है अगर मिसिसागा में या नॉर्थ यॉर्क में, यॉर्क में या डाउनटाउन टोरंटो में, तो उस वक्त आपके लिए इट्स गोइंग टू बिकम रियली डिफ़िकल्ट टू कम्यूट फ्रॉम द वेस्ट ऑफ टोरंटो, द वेस्ट ऑफ बेसिकली द GTA ऑल द वे हेयर, बिकॉज रफली आपको 1.5 घंटा तो ऑलमोस्ट लग ही जाएगा बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हाईवे, क्योंकि इतना ब्लॉक्ड और चोक्ड होता है इन द मॉर्निंग. तो ये डू कंसिडर. अगर आप रिमोट वर्कर हैं या आप जो है वो आपका अपना कोई काम है, बिजनेस है, कुछ है, तो फॉर श्योर आप रह सकते हैं वेस्ट में. इट्स वेरी अफोर्डेबल, लाइक आई सेड. बहुत बड़ी अब साउथ एशियन कम्युनिटी आपको नजर आएगी टूवर्ड्स वाटरलू किचनर, और ये वो सारे लोग हैं जो पुराने सेटलर्स हैं टोरंटो में और ग्रेटर टोरंटो एरिया में, जो कि अब मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द वेस्ट बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड दे वॉन्ट टू यू नो इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो अब अगर वो अपार्टमेंट में रहते थे तो अब वो घर में शिफ्ट हो रहे हैं, यू नो दे बाइंग अ बिगर हाउस. तो वो अफोर्डेबिलिटी स्टैंड पॉइंट से वाटरलू किचनर लंडन ये वाला जो एरिया है वेस्ट आपका गोल्डन हॉर्स शू कहलाता है ये. इट इज़ आउटसाइड ऑफ द GTA लेकिन इट्स वेरी पॉपुलर. तो डू कंसिडर दैट. इट्स वेरी सेफ ऑल्सो. और जो आपको प्रॉपर्टी वहाँ पर मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल, वो आपको यहाँ पे इन द GTA स्पेशली क्लोज टू टोरंटो आप अफोर्ड नहीं कर सकते. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टोरंटो में कोई घर मिल रहा है जो कि आपको 500,000, जो कि आई एम जस्ट थ्रोइंग अ नंबर, इतना तो ये तो प्राइस नहीं है इस वक्त, लेकिन 500,000 का फॉर एग्जाम्पल आपको कोई घर मिल रहा है, वो 500,000 में आपको एक ह्यूज मैंशन मिल सकता है इन
द वेस्ट विच इज़ वाटरलू किचनर एरिया. तो ये चीज़ कंसिडर करने की है कि इन टर्म्स ऑफ, ये कंपेरिजन मैं सिर्फ इसलिए आपको दे रही हूँ कि प्राइस में, कि जहाँ अगर आपको एक टाउन हाउस मिल रहा है उस प्राइस में आप एक डिटैच्ड घर ले सकते हैं इन द वेस्ट ऑफ टोरंटो, इन द वेस्ट मीनिंग गोल्डन हॉर्सशू वाला एरिया. तो ये डायनामिक जो है ये इट्स गुड टू अंडरस्टैंड स्पेशली न्यू कमर्स के लिए. एंड प्लीज़ डू लेट मी नो वॉट यू थिंक ऑफ माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो विद रिगार्ड्स टू दिस वीडियो या कोई क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू द इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, तो उसमें प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.